मैं आपको बोलूं कि एक ऐसी चीज जिससे कि आपका चेहरा बहुत ज्यादा गोरा चमकदार हो जाएगा, चेहरे से झाइयाँ झुइयाँ दूर हो जाएंगी, चेहरे का कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा और आपकी स्किन से रिलेटेड, एंटी एजिंग से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है आपकी स्किन पे, झाइयाँ हैं झुइयाँ हैं, वो भी दूर हो जाएंगी। ये सच है? हाँ। हाय माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको एक इतना अच्छा सीरम बताने वाली हूँ जो कि आपके चेहरे से रिंकल्स, झाइयों की प्रॉब्लम को दूर करेगा, झुर्रियों की प्रॉब्लम को दूर करेगा, चेहरे को स्पॉटलेस बनाएगा, चेहरे को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाएगा, चमकदार बनाएगा और साथ ही साथ अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, काले दाग धब्बे, झुर्रियाँ, झाइयाँ, ओह माय गॉड, लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, मतलब आपकी स्किन के ए टू जेड प्रॉब्लम को दूर करेगा। फेयर स्किन चाहते हैं, स्पॉटलेस स्किन चाहते हैं, बेदाग चेहरा चाहते हैं, झाइयाँ की प्रॉब्लम है, झुर्रियों की प्रॉब्लम है, चमक नहीं है चेहरे पे, चेहरे पे बिल्कुल ग्लो नहीं है, तो हर स्किन प्रॉब्लम्स को ये चुटकी में दूर करेगा। मैं आपको बताने वाली हूँ विटामिन सी सीरम, जो कि आपको मैं बता चुकी हूँ इसके बेनिफिट्स, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लिस्ट है बहुत ज़्यादा लंबी। तो फ्रेंड ज़्यादा बातें नहीं करते, जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी भी लगती है तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और पास वाले बेल आइकन को भी कर देना क्लिक, जिससे कि मैं जो भी वीडियोज डालूँ उसके आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो फ्रेंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लास्ट में सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए संतरा, आप चाहे तो मौसमी ले सकते हैं, नींबू का रस ले सकते हैं या सबको मिक्स भी कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि संतरे के रस में ना, संतरे के छिलके में संतरे के रस से ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन के झाइयों झुर्रियों को दूर करता है, स्किन को स्पॉटलेस बनाता है, ग्लोइंग बनाता है, स्किन को ब्राइट करता है, यंग बनाता है और एक तरह से फाइन लाइंस, रिंकल्स को भी दूर करता है। तो हमने क्या किया है, हमने एक संतरा लिया है, इसके छिलके मैंने अच्छे से निकाल लिए हैं और एक आप बाउल ले लें, कांच का या गिलास ले लें, उसमें आप छिलके डालें और आप उसमें डालें ठंडा पानी, मतलब बहुत ठंडा भी नहीं, गर्म पानी, नॉर्मल पानी जो आप पीते हैं, आपके टैप वाटर डालें, क्योंकि अगर आप इसमें गर्म पानी डालेंगे ना तो गर्म पानी से संतरे के छिलके में जितना भी विटामिन सी होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी हम विटामिन सी या सी को या संतरे के छिलके को हम कभी भी जलाते नहीं हैं, ना जाने उबालते हैं, जिससे कि उसका विटामिन सी ख़त्म हो जाएगा। तो आपको पूरी रात इसे ऐसे ही रख देना है। आप इसे पूरी रात रख देंगे तो आप देखेंगे कि जो संतरे के छिलके हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं और जो पानी डाला था हमने वो भी बिल्कुल येलोइश सा हो गया है। पानी आपको इतना ही डालना है जिसमें संतरे के छिलके अच्छे से डूब जाए, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है कि आप एक मिक्सर ग्राइंडर ले लें और उसमें आप इसे छिलकों को पानी के साथ ही डालें और अच्छे से चला के एक लिक्विड सा पेस्ट बना लें और इसके बाद आप ये जो पेस्ट बन जाएगा इसे आप अच्छे से छान लें। ये आपका एक बढ़िया सा विटामिन सी सीरम तैयार है। आप इसे एज अ टोनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसे सीरम की कंसिस्टेंसी में लाने के लिए हमें इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी होंगी। हमें इसमें सबसे पहले ऐड करना है 2 चम्मच भर के एलोवेरा जेल। यहाँ पर आप मेक श्योर कि आप बाज़ार का ही एलोवेरा जेल लें, क्योंकि अगर आप घर का लेंगे ना तो उतनी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी और आपका जो विटामिन सी सीरम है वो उस कंसिस्टेंसी नहीं आ पाएगी, तो ज़्यादा दिन तक भी आप स्टोर करके नहीं रख सकते। तो यहाँ पे मैं पतंजलि का ले रही हूँ, आपके पास कोई भी हो, केसर चंदन वाला या एक्सपायर्ड जो भी हो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून लिया है एलोवेरा जेल और मैंने इसमें डाला है जो हमने पेस्ट बनाया था ना छिलकों का, वो हमने इसमें डालना है 4 चम्मच। अगर आप 2 चम्मच एलोवेरा जेल ले रहे हैं तो 2 से 4 चम्मच आपको लेना है ये संतरे के छिलके का पेस्ट। अच्छे से इसको मिक्स कर देना है जब तक कि ये अच्छे से संतरे के छिलके का पेस्ट और जो एलोवेरा जेल है अच्छे से मिक्स ना हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें डालना है बादाम का तेल। बादाम का तेल मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून डाला है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई नहीं है बहुत ज़्यादा और ऑयली भी नहीं है, नॉर्मल स्किन है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे कम करें, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप बादाम का तेल भी डाल सकते हैं। बादाम के तेल के और सब्स्टिट्यूट क्या हैं या और भी इसके ऑल्टरनेटिव क्या हैं, आप इसमें विटामिन ई की कैप्सूल डाल सकते हैं, 2 से 3 जो भी आपको सूट करती हो आप डाल सकते हैं अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। तो आप इसे विटामिन ई ऑयल डाल सकते हैं या बादाम का तेल डाल सकते हैं, तो ये ऑप्शनल है। मैं यहाँ पे लेमन ऑयल डाल रही हूँ। अगर आपके पास कोई और एसेंशियल ऑयल है जैसे कि टी ट्री एसेंशियल ऑयल और भी कोई एसेंशियल ऑयल है आप वो भी डाल सकते हैं, पर टोटली ऑप्शनल है। इससे क्या होगा, हमारे जो सीरम की लाइफ है वो ज़्यादा दिन तक रहेगी। ये हमारा बढ़िया सा सीरम तैयार है, आप इसे अच्छे से मिक्स करें जब तक कि आपका ऐसा लिक्विड सा कंसिस्टेंसी नहीं बन जाती।
और आप इसे कब तक स्टोर करके रख सकते हैं बात ये आती है। अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो आप इसे 7 days तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, गर्मियाँ हैं तो 4 से 5 दिन तक, पर आप मैक्सिमम इसे 7 days तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, उसके बाद ही ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आप इसे 7 days से ज़्यादा ना बनाएं, 7 days का ही आप इसे बनाएं। अब मैं बताती हूँ कि इसे आपको अपने फेस पे कैसे लगाना है, बताती हूँ आपको फेस पे कैसे लगाना है। फिलहाल मेरी स्किन पे कुछ भी नहीं है, तो आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें और हो सके तो इसको रात को सोने से पहले आप ज़रूर लगाएं। अगर आप 30+ है ना तो आप इसे आज से ही लगाना स्टार्ट कर दें। अगर आपके फेस पे फाइन लाइंस जो भी आनी स्टार्ट हो गई है, बारीक लाइंस आना स्टार्ट हो गई है, चेहरे पे आपके स्किन पे डार्क सर्कल्स हैं, मतलब ये हर स्किन की प्रॉब्लम को दूर करता है टू बी वेरी श्योर। तो अब इसको हम अपने फेस पे मैं लगाऊंगी और आपको क्या करना है, जैसे नॉर्मल सीरम आप लगाते हैं आपने अपने फेस को पहले क्लीन कर लेना है, फिर इसको अपने फेस पे ऐसे आपको जेंटली लगाना है थोड़ा थोड़ा। उसकी खुशबू सच्ची में बहुत अच्छी आ रही है, बहुत रिफ्रेशिंग खुशबू है, जैसे ऑरेंज की संतरे की खुशबू होती है ना वैसे ही आ रही है। तो आप इसे अपनी स्किन पे ऐसे मसाज करते हुए लगाएं जेंटली। आप चाहें तो ड्रॉपर भी ले सकते हैं, और मेरे पास फिलहाल ब्राउन कलर की बॉटल नहीं है। अगर आपके पास ब्राउन कलर की बॉटल है ना, जो जिसमें ब्राउन कलर की बॉटल होती है उसमें ज़्यादा स्टोर करके रखेंगे तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और इसको उस वहीं रखें जहाँ पे ज़्यादा गर्मी ना हो। जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो होता है जो विटामिन सी सीरम होता है वो गर्मी से या बहुत ज़्यादा उससे टेम्परेचर से ख़राब हो जाता है, तो आप इसे फ्रिज में ही रखें। तो आप इसे 1 से 2 मिनट तक ऐसे मसाज करें अपनी स्किन पे, आपको अपनी स्किन पे ऐसे ही मसाज करनी है बहुत जेंटली, ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, और आप बस 1 से 2 मिनट तक मसाज करें, बस आपको ऐसे ही छोड़ देना है ओवरनाइट, यानी कि पूरी रात इसे ऐसे ही छोड़ देना है। आपको थोड़ी सी ना बर्निंग सेंसेशन होगी, मतलब हल्की सी जलन होगी, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि संतरे के छिलके में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, विटामिन सी होता है, तो इसलिए, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी स्किन पे भी हो रहा है, तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छा सूट करेगा, हर स्किन टाइप को ये सूट करेगा। मैंने ये लगा लिया है, उसके बाद आप सो जाएं और उसको कम से कम 7 days तक कंटिन्यू करें, और आप इसे 7 days तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। ब्राउन बॉटल में हो सके तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ किसी ऐसे कांच के जो है बर्तन में या बाउल में स्टोर करके इसे रख सकते हैं फ्रिज में। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी, आई होप मेरी आपको आज की रेमेडी पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को भर भर के लाइक करना, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो मैं मिलती हूँ फ्रेंड आपके साथ ऐसे ही अच्छे अच्छे DIY होम रेमेडीज़ के साथ। टिल देन फ्रेंड बाय बाय एंड स्टे हेल्दी स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।